एक बार फिर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दूसरे इनिंग में बीवी लीग के मैच में। और दो ओपनर्स हमारे गए हैं अभिषेक मिश्रा अमरचंद, दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे और अब साइड पे आ चुके हैं अभिषेक मिश्रा। पहली बॉल पे चौका लगाया था, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी अभी तो करते हुए नज़र में आ रहे हैं। और ये बीवीडी का मैच है, हम लोग का दूसरा मैच है ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब वर्सेज SRK क्लब से। यहाँ पर तीसरा ओवर चालू होने वाला है और स्ट्राइक पे है अभिषेक मिश्रा का, फील्डिंग में यहाँ परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक मिश्रा, ओपनर बैट्समैन अमरचंद के साथ काफ़ी अच्छा दोनों का तालमेल रहता है, कई मैचों में देखा होगा आपने। और यहाँ पर मीडियम पेसर हैं बॉलर SRK की तरफ से। और ये राइट आर्म ओवर फेंकने जा रहे हैं, स्ट्राइक पे अभिषेक मिश्रा, नॉन स्ट्राइक पे अमरचंद अमर। और काफ़ी अभी तक तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चौका मारा, सिंगल डबल। और ये बिल्कुल तैयार है अपने स्टांस में और बॉलर भी तैयार है, तो देखते क्या होता है। और ये काफ़ी ख़राब दिए लाइन से भटके और ये वाइड करारा पहने दिया और एक रन चुरा लिया, काफ़ी अच्छी रनिंग दोनों के बीच। और यहाँ पर दो रन निकाल लिए और ये वाइड रही बॉलर की ख़राब गेंदबाजी लाइन से भटके अपने, तो ऐसे ही करते रहेंगे तो थोड़ा लाइन पर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत भारी पड़ सकता है। और स्ट्राइक दबा चुके अमरचंद निशा लेफ्ट हैंड बैट्समैन, एक बार फिर से तैयार है अमरचंद। बहुत अच्छी तरीके से बॉल को छोड़ा, बॉल को लास्ट टाइम तक देखा अमरचंद निषाद ने, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए काफ़ी अच्छे बैट्समैन। अभी सेट होने की देरी है, सेट जब सेट हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बैटिंग की बहुत अच्छी है। और यहाँ पर एक बार फिर से अमरचंद तैयार, काफ़ी अच्छा शॉट लगाया पॉइंट के गली की तरफ और एक रन चुराया, काफ़ी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल विकेट करते हुए। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं अभिषेक मिश्रा, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है जो कि हमारी टीम के कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं साथ साथ अभिषेक मिश्रा ऑन स्ट्राइक। तो बॉलर काफ़ी एक बार फिर से अभिषेक मिश्रा तैयार हैं स्ट्राइक पे, काफी बाहर की गेंद कट करने की कोशिश लेकिन बॉल निकल गई नीचे से और अपील काफी जोरदार थी लेकिन अंपायर को कोई इशारा नहीं। तो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक जो SRK के बॉलर हैं काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और एक बार फिर से हमारे जो बैट्समैन है ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब के अभिषेक मिश्रा ओपनर, एक बार फिर से तैयार। और ये मिल गई सफलता, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, पैर पे सामने ही खा लिया, पैर ने उंगली उठा दी और ये काफ़ी ज़बरदस्त अपील के साथ आउट करा दिया अंपायर ने अभिषेक मिश्रा को। तो पहला विकेट गिरता हुआ ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब का और तीसरे ओवर में पहला विकेट गिरता हुआ ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब। ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब के नए बैट्समैन जो कि वन डाउन में आ चुके हैं जिनका नाम है कुलदीप अवस्थी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और साथ में विकेट कीपर भी हैं, तो ये अमरचंद का साथ देने आए हैं। एक विकेट गिर चुका है, LBW आउट दिया अंपायर ने अभिषेक मिश्रा को, फ्लिक करने गए थे पैट पे खा गए सामने। और अमरचंद का साथ देने आए हैं कुलदीप अवस्थी जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बॉलर की काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में एक सफलता हासिल की और बॉलर थोड़ा फील्ड में बदलाव करते हुए और गार्ड लेके कुलदीप अवस्थी एक बार फिर से स्ट्राइक पे। कुलदीप अवस्थी काफ़ी अच्छे बैट्समैन है और यहाँ पे एक बार फिर से बॉलर तैयार है, सामने कुलदीप अवस्थी पहली बॉल का सामना करेंगे। ओ ये भी पैड पे लगा लेकिन बाहर थी, अंपायर का कोई इशारा नहीं, अपील तो काफ़ी ज़ोरदार थी लेकिन लेग साइड पे लगती हुई बॉल। यहाँ पर ओवर की समाप्ति और तीन ओवर की समाप्ति पे
एक विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर स्ट्राइक पे अब अमरचंद निषाद आ चुके हैं, तैयार है बैटिंग के लिए। बॉलर अपना रन अप लेता हुआ, काफी अच्छा शॉट कवर्स में और ये फील्डर के हाथों में एक भी रन नहीं चुराया। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए एसआरके क्रिकेट क्लब के बॉलर, काफी सूझबूझ सारी बैटिंग करते हुए अमरचंद निषाद, काफी अच्छे बैट्समैन हैं। एक बार फिर से अमरचंद तैयार बैटिंग पे और बॉल रन अप लेता हुआ काफी खूबसूरत, और ये बैकफुट पे डिफेंस किया काफी प्यारा, बहुत ही अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, काफी सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए। अभी एक विकेट के नुकसान पर काफी अच्छी बैटिंग करते हुए अगर ये खेल जाएंगे तो रन बनते रहेंगे धीरे धीरे। और नाइस टाइप पे कुलदीप अवस्थी, एक बार फिर से बॉलर तैयार बैट्समैन भी तैयार, हल्का सा आगे चले थे पैड पे लगी लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं, काफी अच्छी अपील थी, हल्का सा आगे निकल के मारना चाहते थे, हल्का सा पैर चलाया था। 10 रन तीसरा हुआ और एक विकेट के नुकसान पर ग्लोबल स्टार का 10 रन हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है यहाँ पर, एक बार फिर से तैयार, काफी अच्छे तरीके से खेला मिड ऑफ की तरफ और वो फील्डर के हाथ में कोई भी रन नहीं, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक बॉलर, अभी तक कोई भी रन एक्स्ट्रा नहीं दिया है, काफी सूझबूझ से बॉलिंग करते हुए। फिर से अमरचंद तैयार बॉलर, काफी अच्छे तरीके से प्लेट किया वो कवर्स के हाथ में बॉल गई, काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए बॉलर, ओवर की समाप्ति पे 10 रन पे एक विकेट। ओवर की समाप्ति के बाद अगला ओवर डालने आया है सेम बॉलर एसआरके की तरफ से, जो कि काफी अच्छी बॉलिंग की है। अब नया बैट्समैन सामना करेंगे गेंदबाज का कुलदीप अवस्थी, काफी अच्छा शॉट लेकिन कवर्स में मारना चाहते थे लेकिन बैट का फेस मुड़ा और सामने की तरफ बॉल गई, कोई भी रन नहीं, फील्डर के हाथ में बॉल गई। काफी अच्छी गेंदबाजी बॉलर द्वारा, काफी नियंत्रण के साथ बॉलिंग करते हुए कवर्स में शॉट मारना चाहते थे लेकिन बैट का फेस सीधे हो गया, काफी सूझबूझ से बैटिंग करनी होगी। हालांकि काफी अच्छे बल्लेबाज है कुलदीप अवस्थी, फिर से बॉलर तैयार कुलदीप अवस्थी हैं सामने, काफी अच्छी गेंदबाजी यॉर्कर लेन पे बॉल गई थी, काफी सूझबूझ से उसको रोका कुलदीप अवस्थी ने, काफी अच्छी गेंदबाजी है क्लब द्वारा, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक कुलदीप अवस्थी ये यॉर्कर बॉल को रोका, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए एसआरके के बॉलर। एक बार फिर से बॉलर तैयार कुलदीप अवस्थी का, फिर से सामना करेंगे, काफी अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट और ये बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए कुलदीप अवस्थी का बेहतरीन कवर ड्राइव, बहुत ही नियंत्रण के साथ खेला, काफी खुश लग रहा है कुलदीप अवस्थी, बहुत ही प्यारा शॉट। अब बॉलर थोड़ा निराश होंगे, बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव मारा कुलदीप अवस्थी ने, बहुत अच्छा शॉट खेला। एक बार फिर से बॉलर तैयार रन लेते हुए सामना करेंगे फिर से कुलदीप अवस्थी, काफी अच्छा शॉट यहाँ पर लेकिन एक रन से संतुष्ट करेंगे, फील्डर के हाथ में बॉल, ये भी मानना चाहते थे थोड़ा गैप में बट हल्का सा बैट का फेस इधर हुआ, फील्डर के हाथ में एक रन लेते हुए कुलदीप अवस्थी। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं अमरचंद निषाद, सामना करेंगे एसआरके के बॉलर का जो ये काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक। एक बार फिर से अमरचंद तैयार, काफी अच्छे तरीके से बैट का फेस खोला सिंगल चुराने के लिए और काफी अच्छी रनिंग दोनों के बीच, बहुत ही खूबसूरत रनिंग किया दोनों के बीच, एक रन चुरा लिया फील्डर के हाथों से, काफी अच्छी रनिंग, ऐसे खेलते जाएंगे बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनेगी। एक रन चुराया, डिफेंस करना चाहते थे बैट का फेस खोला रन चुराने के लिए, काफी अच्छे बल्लेबाजी अमरचंद द्वारा। एक बार फिर से तैयार है एसआरके के बॉलर, सामने है कुलदीप अवस्थी
और लेग लॉन्च कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, काफी अच्छी बैटिंग। और बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए इस ओवर का दूसरा चौका और ओवर की समाप्ति। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए कुलदीप अवस्थी और अमरचंद निषाद, काफी अच्छे कॉम्बिनेशन दोनों के बीच। अभी स्ट्राइक पे होंगे मुकुल कुमार, बॉल पड़ने के बाद नीचे रह गया, काफी अनलकी कहे जाएंगे अखिलेश यादव। यहाँ पे पहली बॉल का सामना करेंगे अपने विपिन कुमार का सामना करेंगे मुकुल। विपिन कुमार फिर से तैयार, यहाँ पर ड्राइव करना चाहते थे, बैट जमीन लगता हुआ काफी अच्छी अपील, लेकिन अंपायर ने मना किया, बॉल निकल गई पहले ही। मुकुल कुमार और अमरचंद को काफी सूझबूझ के साथ बैटिंग करनी होगी, क्योंकि तीन बैट्समैन आउट हो चुके हैं और 80 रन यहाँ पे हैं हो चुके हैं, तीन विकेट गिर चुके हैं ग्लोबल सेक्टर क्लब के। अगर इनको मैच जीतना है तो बैटिंग बना के रखनी होगी, अमर को खेलना होगा। यहाँ पे मुकुल एक बार फिर से विपिन रनअप पे जाती हुई, फिर से छोटे छोटे अपने कदमों से अंपायर को क्रॉस किया और ये अच्छा डिफेंस किया, बैट का फेस खोला पॉइंट की तरफ सिंगल चुराने के लिए, पर फील्डर वहाँ पे तैनात, एक भी रन नहीं। मुकुल को थोड़ा टिक के खेलना होगा और यहाँ पे मुकुल को टिक के खेलना होगा, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं अभी तक एसआर के टीम के बॉलर विपिन कुमार। एक बार फिर से मुकुल तैयार, सामने विपिन कुमार और फिर से विपिन सामने अगले मुकुल, और ये बैकअप दहन बॉल फेंका था। काफ़ी अच्छी फील्डिंग एसआरके टीम के प्लेयर द्वारा, काफ़ी अच्छी फील्डिंग कही जाएगी एसआरके टीम के प्लेयर द्वारा, काफ़ी अच्छे देखे डाइट दया कि वहाँ पे चार रन बताए अपनी टीम के लिए, और काफ़ी उमदा गेंदबाजी कही जाएगी। बैक ऑफ द हैंड बॉल फेंका था, स्लोअर बॉल फेंका था विपिन ने, और विपिन की आखिरी गेंद, सामने है मुकुल, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। और विपिन एक बार फिर से आते हुए सामने है मुकुल, बहुत ही अच्छे तरीके डिफेंस करके बैट का फेस खोला, यहाँ पे एक रन से संतुष्ट करेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे मुकुल। ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर 80 रन 3 विकेट के नुकसान पे बन चुका है। एक बार फिर से स्ट्राइक पे होंगे मुकुल और हमारे बॉलर होंगे मोहित यादव, जो कि सेट बैट्समैन को आउट किया था। एक बार फिर से मुकुल और ये कट कर दिया है थर्ड मैन की तरफ, और वहाँ का फील्डर तैनात, एक रन चुराएंगे, स्ट्राइक पे होंगे अमरचंद निषाद। यहाँ पे थोड़ा फील्ड में फील्ड बदलता हुआ, अधिकतर सारे प्लेयर ऑफ स्टंप पे ऑफ साइड पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं सारे प्लेयर ऑफ साइड पे लगाया गया है। एक बार फिर से मोहित यादव, सामने अमरचंद, और ये पैर निकाल के मारना चाहते थे लेकिन बल्ला हाथ से छूटा, काफी बाहर गई थी। एक बार फिर से दोनों ही बैट्समैन कुछ बातचीत करते हुए, मोहित यादव की काफी अच्छी गेंदबाजी, पिछले ओवर में आउट किया था कुलदीप अवस्थी को सेट बैट्समैन को, और यहाँ पे दोनों बैट्समैन को तालमेल बिठा के खेलना होगा अगर मैच को आगे तक ले जाना है तो। मोहित यादव एक बार फिर से, और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी, मोहित यादव जरा पढ़ नहीं पाए अमरचंद निषाद बॉल, इनको लास्ट टाइम तक खेलना होगा अगर इस मैच को आगे जाना है। मुकुल और अमरचंद निषाद को काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखना होगा। एक बार फिर से, और यहाँ पे फ्लिक कर दिया है, गैप में शॉट खेला है और ये सीमा लेगा के बाहर बॉल, चार रनों के लिए। अमरचंद निषाद की काफी अच्छी बैटिंग, ऐसे ही खेलते रहेंगे तो रन आते रहेंगे। काफी अच्छा शॉट मारा, बॉल लेग पे हल्का सा गंदा बॉल मिला, उसको चौके में तब्दील किया अमरचंद निषाद ने, काफी हल्का सा निराश होंगे खुद से मोहित यादव। एक बार पटक दिया बॉल अच्छे से, उसको खेला अमरचंद निषाद ने, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए मोहित यादव जी। एक बार फिर से तैयार है, सामने अमरचंद निषाद, और यहाँ पर सामने ही मारा था, सीधे बॉलर के पैर में लगी बॉल, पुल मारना चाहते थे लेकिन सही से कनेक्ट नहीं हुआ बॉल, बॉलर के पैर में लगती हुई। और यहाँ पे 17 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 86 रन जा पहुंचा है, और काफी अच्छी बॉलिंग हुई है इस ओवर में मोहित यादव जी से। अभी स्ट्राइक पे होंगे मुकुल, और यहाँ पर काफी अच्छे गेंदबाजी करते हुए एसआरके टीम के बॉलर
बहुत ही उमदा बॉलिंग करते हुए पढ़ नहीं पाए गेंद को मुकुल, विपिन कुमार काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए एस आर के क्लब की तरफ से काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक विपिन कुमार। सामने हैं मुकुल, सामना करेंगे विपिन कुमार की दूसरी गेंद का। और यहाँ पर समझ नहीं पाए बॉल, टिप्पा पकड़ चुके हैं विपिन कुमार और उसी टिप्पे से बार बाहर बॉल निकालते हुए पढ़ नहीं पा रहे हैं आगे का बॉल नहीं पढ़ पा रहे हैं। और पीछे खेलते हुए मुकुल और बॉल कीपर के सीधा कीपर के ग्लव में जाती है बॉल। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए विपिन कुमार, काफ़ी लैम नज़र आ रहे हैं विपिन कुमार और ऐसी गेंदबाजी करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आप उनकी टीम के लिए। और थोड़ा आगे निकले थे और काफी अच्छी गेंदबाजी, स्टंप तोड़ दिया है यहाँ पे विपिन कुमार ने, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए विपिन कुमार। और यहाँ पे मुकुल को बोल्ड मार दिया है, काफी बहुत ही उमदा गेंदबाजी करते हुए विपिन कुमार। और यहाँ पे चौथा विकेट गिरता हुआ ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब का। एक बार फिर से विपिन कुमार तैयार है, उनका सामना करेंगे नए बल्लेबाज सत्यम साहू। विपिन कुमार काफी धुआं था गेंदबाज, काफी अच्छी तरीके से डिफेंस करते हैं सत्यम साहू, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं सत्यम साहू। राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ बैट्समैन भी काफी अच्छे हैं और काफी उमदा बैटिंग करते हैं। अगर ये टिक जाए तो मैच को अंत तक ले जा सकते हैं। और काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए एसआर के क्रिकेट क्लब के बॉलर विपिन कुमार काफी खुश किया है अभी तक, काफी उमदा गेंदबाजी करते हुए फिर से विपिन कुमार। और एक बार फिर से एक और विकेट लेते हुए इस ओवर में पैर पे खाते हुए सत्यम साहू, काफी अच्छी गेंदबाजी की विपिन कुमार। और यहाँ पर स्टार क्रिकेट क्लब का 5 विकेट गिरता हुआ सत्यम साहू शून्य पर आउट होते हुए। और काफी अच्छी बॉलिंग कही जाएगी विपिन कुमार की, 3 विकेट ले चुके हैं विपिन कुमार। इसी के साथ 5 विकेट गिरता हुआ 86 रन पे स्टार क्रिकेट क्लब का, ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब का। अब नए बैट्समैन जो कि स्ट्राइक पे आ चुके हैं पांचचंद शुक्ला, विकेट कीपर प्लस बैट्समैन, जो कि काफी ये भी अच्छी बैटिंग करते हैं लेकिन थोड़ा रुकने की देरी है। और विपिन कुमार की काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 3 विकेट लेकर ले चुके हैं 13 रन दे के। और ये आखिरी गेंद, और यहाँ पर मना किया बैट्समैन ने, कोई बात नहीं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अभी तक विपिन कुमार, काफी कुछ किया है, एक ओवर में 2 विकेट लिया है उसको बात है, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। यहाँ पे 5 रन शुक्ला पहली गेंद खेलेंगे अपने विपिन कुमार। और ये काफी सम्मान दिया पहली बॉल को, अच्छी तरीके से डिफेंस किया सामने की तरफ। और इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति पर टीम कंट्रोल स्कोर 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो बार फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पे, ओवर रन बन चुके हमारे 106 विकेट नुकसान पर। अब बैटिंग करने गए हैं शिवम तिवारी और अमरचंद अभी स्ट्राइक पे मतलब खेल रहे हैं 57 बॉल 26 रन। और यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं विपिन कुमार जो कि 3 विकेट ले चुके हैं। और सामने हैं मीडियम पेसर शिवम तिवारी और काफी अच्छी तरीके से ड्राइव करना चाहते थे कवर रीजन में लेकिन नीचे का एज लगा और बॉल गई पॉइंट सीजन में। और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अभी तक विपिन कुमार, 6 विकेट गिर चुके हैं ग्लोबल चॉकलेट क्लब के 101 रन पे और 22वां ओवर अभी चल रहा है। एक बार फिर से विपिन कुमार, सामने हैं शिवम भैया और यहाँ पर गेंद नीचे रह गई, पैर नहीं निकला, फिर भी कवर्स की तरफ खेल दिया है, कोई रन नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी विपिन कुमार द्वारा, बहुत ही उमदा गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे गेंदबाजी करते रहेंगे तो अपनी टीम को जरूर जीत दिलाएंगे। और अभी मैच को आगे अभी भी यहाँ से मैच जीत सकती है ग्लोबल स्टार। और अभी मैच को आगे ले जाने के लिए 2 प्लेयर को खेलना बहुत जरूरी है, शिवम तिवारी और अमरचंद निषाद। और ये एक बार फिर से विकेट ले लिया है, स्लोअर बॉल थी, बैट फेंक दिए शिवम तिवारी और ये आउट होते हुए शिवम तिवारी।
और ये 7वां विकेट गिरता है ग्लोबल स्टार क्रिकेट क्लब का है।